वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। मैं आज आप लोगों के लिए क्विज टेबल लेके आया हूँ। ये मेरा पार्ट वन है। इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, ये क्विज टेबल है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे पहला दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 8 है, 27 है, 64 है, 125, 216 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछा इसके जगह पर क्या आएगा, 8 जो होता है क्या होता है, 8 हम लोग का 2 का क्यूब होता है, 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं, वैसे ही 125 को हम लोग 5 का क्यूब, 216 को 6 का क्यूब, और यहाँ पूछ रहा है तो अभी हम लोग को सीरीज पता चल गई है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3 349 ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, पहले दिया 4 16 64 x, इसके लिए सबसे पहले इसमें देखिए इससे क्या होगा, 4 से ये 16 कितने बार में हो रहा है, 4 4 जै 16 16 4 जै 64, इस यानी 4 में सब में मल्टीप्लाई, 4 4 जै 16 16 4 जै 64, और इससे इसमें फिर 16 64 में 4 से मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 256, 64 चौको 256। ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है 0 7 26 x। तो देखिए 0 0 कैसे होगा, ये आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 0 जैसे मुझे पता है तो मैं कर दे रहा हूँ, जैसे 1 का क्यूब माइनस 1 इसमें, ये 0 हो जाएगा। 7 कैसे आया है, इसमें 2 का क्यूब और माइनस 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। जैसे 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का क्यूब माइनस 1 कर देंगे तो ये कितना है, 26। वैसे ही देखिए सीरीज मिल गई, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, वैसे ही यहाँ क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ x के जगह पे 63। ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जैसे दिया है 2 7 9 7 3 4 9 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इससे जब पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ नीचे 126 168 260। तो देखिए इसमें या तो पहले आप गुणा भाग कीजिए जो भी करना हो, लेकिन हम इसमें जैसे करते हैं 7 2 14, 2 7 14 14 9 126, वैसे ही 7 3 21 21 वटे 168, ये होगा 9 4 36, और यहाँ 216 है, तो इसको देखिए सब में मल्टीप्लाई कराना, 9 4 36 36 ये 36, इसके जब हम मान ले रहे हैं x, तो ये हो गया x इंटू 216। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 216 अपॉन 36 से 216 कट जाएगा 6 बार में, 36 6 216 होता है, तो x बराबर 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए अब कंप्लीट हो जाएगा, 2 7 14 14 9 126, 7 3 21 21 वटे 168, 9 4 36 36 6 216। अब ये देखिए पांचवा है 4x4 का, ये मैट्रिक्स है, इसमें दे रहा है 4 2 1, तो ये देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 4 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर, और सबको ऐड कर दें, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 16 4 20 और 21, ये देखिए 21 मिल गया, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसको जोड़ेंगे तो 98 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09 लिख ले, और इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 18 24 24 कर 4, कैरी आया 2, 4 3 7 और 2 9, यहाँ कितना है x की वैल्यू कितनी आएगी, 94। अब ये क्वेश्चन देखिए छठा में क्या करना है, हाँ देखिए ये 7 2, ये 3 दिया है 3, इसमें पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, तो देखिए क्या करते हैं, 7 2 का 14 14 3 42, 7 2 का 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू इंटू का मतलब 14 3 42, वैसे 9 9 1 9 9 2 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसका इसमें, 9 9 9 9 2 18, ये देखिए इसका पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाए, 3 2 6 6 5 30, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 30। देखिए कैसे, ये 7 × 2 × 3 = 42, वैसे ही 9 × 1 × 2 = 18,
वैसे इसका करेंगे 5 - 2 - -3, 5 2 जा 10, 10 3 जा -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सातवां सवाल, सातवां सवाल में देखिए क्या करना है, ये दिया है 5 4 9 20 3 8 11 24 9 4 13, एक्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देखिए 5 4 जा 20 3 8 जा 24 9 4 जा, यहाँ पूछ रहे हैं x की वैल्यू, तो 9 4 जाए यहाँ कितना आ जाएगा 36, और ये सीरीज चल ही आ रही है 9 11 13, इसका इसमें वैसे ही दिया है 9 11 13। ओके क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में देखिए यहाँ दिया है 9 1 6 3 4 49 2 3, एक्स यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 15 दिया है। जैसे यहाँ ये देखिए क्वेश्चन कैसे, 3 का स्क्वायर ये 9 दे दिया है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसको लिख दिया जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 9 1 6 हो गया। वैसे यहाँ 49 दिया, ये है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 49 लिखा। वैसे ही यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर क्या आ जाएगा 125, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 125। थर्ड ये नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है 12 18 30 6 16 32 40 8 36 18 27, एक्स यहाँ पूछ रहा है। जैसे ये 6 से, इसको 6 से ये सब डिविजिबल है, 6 2 12 36 18 6 25 30, वैसे ही 8 2 16 8 4 32 8 5 40, तो यहाँ पूछ रहा है क्या रखें, ये आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 6 9 12 18। जैसे यहाँ 6 रखेंगे x की वैल्यू, तो 6 से कट जाएगा 36, 18 भी कट जाएगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा, इसलिए 6 तो ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। 9 रख के चेक करिए, 9 4 को 36, 4 बार में ही कट जाएगा, 9 2 18 9 3 27, यानी ऑप्शन कौन सा सेकंड ऑप्शन सही है, 9। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 9, 9 से तीनों डिविजिबल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है 4 3 144, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 4 यहाँ 144 11 9 9 8 0 1 9 8 0 1 ये दिया है 15 6 x, यहाँ x की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो इसमें देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 16 9 144, वैसे ही इसमें होगा 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 8 0 1 आएगा, ये जो दिया। इसमें देखिए 15 और 6 का स्क्वायर होता है 225, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर करा के मल्टीप्लाई कराइए, 6 5 30 कर 0 कैरी 3, 6 2 12 3 15 कर 5।